हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो हम लोग पिछली वीडियो में जो पढ़ लिए हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का बेसिक। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको मैथ के बेसिक में दिक्कत होता है, तो हम बेसिक समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी बातों को ध्यान से देखिए और लास्ट वीडियो तक बने रहिए। देखिए किस तरह से हम लोग बेसिक जोड़ और गुणा सीख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को माइनस प्लस में दिक्कत होता है, तो देखिए कुछ नियम आपको याद रखना है। अगर नियम आप याद कर लिए तो आप आसानी से जोड़ बना सकते हैं। जैसे अगर जोड़ेंगे माइनस को जोड़ना है प्लस के साथ, तो माइनस और प्लस आपस में जुड़ता है तो माइनस होता है। अगर प्लस को जोड़ना है माइनस के साथ, तो प्लस और माइनस जुड़ता है तो माइनस ही होता है। माइनस को जोड़ना है माइनस के साथ, तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और प्लस को जोड़ना है प्लस के साथ, तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस ही होगा। समझे? उसी प्रकार अगर हमें गुणा करना है, जैसे देखिए अगर गुणा हमें करना है, अगर माइनस को गुणा करेंगे माइनस के साथ तो कितना होगा? प्लस हो जाता है। प्लस को गुणा करेंगे माइनस के साथ तो कितना होगा? आपका माइनस होगा। माइनस को गुणा करेंगे प्लस के साथ तो आपका माइनस हो जाएगा। और प्लस को गुणा करेंगे प्लस के साथ तो प्लस ही होगा। ये दो नियम आपको, पहला नियम ये हो गया और दूसरा नियम ये हो गया। अगर दोनों नियम याद कर लेते हैं तो माइनस प्लस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चों देखिए, माइनस टू प्लस चार कितना होगा? माइनस प्लस, सबसे पहले देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। और माइनस प्लस का जोड़ क्या होता है? माइनस प्लस का जोड़ माइनस होता है, तो यहाँ घटेगी। तो घटेगी कितना में से? तो चार में से दो संख्या घटाएंगे तो दो होगा। यहाँ दो तो लिख देंगे, लेकिन अब देखेंगे कि माइनस प्लस में माइनस दो और प्लस चार में कौन बड़ा है? तो चार बड़ा है। चार क्या रख ले? प्लस रख ले, तो इसलिए प्लस दो होगा। क्या होगा? प्लस दो होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, माइनस प्लस माइनस छः और प्लस तीन, माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस देखिए, माइनस माइनस जोड़ प्लस माइनस होता है, तो छः में से तीन घटेगा। तो छः में से तीन घटेगा तो तीन होगा। और यहाँ देखेंगे कि माइनस माइनस छः और प्लस तीन में बड़ा कौन है? तो बड़ा छः है। छः क्या रख ले? माइनस रख ले, इसलिए माइनस तीन होगा। समझे? तो यहाँ जो साइन होता है वह अंक के अनुसार होता है। अंक देखें कि अंक है बड़ा कौन, तो बड़ा कौन है? तो छः बड़ा है। छः क्या रख ले? तो माइनस रख ले, इसलिए माइनस तीन। यहाँ देखेंगे माइनस प्लस क्या है? माइनस प्लस यहाँ होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो माइनस होता है यानी छः में से तीन गया, कितना होगा? तीन होगा। अब माइनस तीन और प्लस छः में, या तीन और छः में देखेंगे बड़ा कौन संख्या है? तो बड़ा संख्या छः है। छः क्या रख ले? प्लस रख ले, इसलिए प्लस तीन होगा। हालांकि प्लस देते नहीं है, प्लस छिपा रहता है, लेकिन लिख देते हैं आपको समझने के लिए। आठ में से चार गया, देखिए प्लस में है, अभी माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है जी? प्लस माइनस माइनस होता है सर। तो माइनस कीजिए, आठ में से चार जाएगा, कितना होगा? चार होगा। अब चार प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो देखें कि आठ बड़ा कि चार, तो आठ बड़ा, आठ क्या रख ले? प्लस, इसलिए प्लस में होगा। समझे? उसी प्रकार माइनस तीन और माइनस छः कितना होगा? तो माइनस देखिए, माइनस जोड़ माइनस, माइनस को माइनस के साथ जोड़िएगा तो प्लस होता है। ध्यान दीजिएगा, माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो प्लस होगा। यानी कि यहाँ देखिए, माइनस तीन और माइनस छः कितना होगा? तो माइनस माइनस तीन और माइनस छः नौ तो होगा, लेकिन प्लस नौ होगा कि माइनस नौ होगा? तो आप देखिएगा कि तीन बड़ा है कि छः? तो बड़ा है छः। छः क्या रख लिया है? माइनस, इसलिए चिन्ह क्या होगा? माइनस में। ऐसे भी माइनस और माइनस का जोड़ होता है माइनस में ही आता है, जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस में ही हमेशा रहता है। माइनस दो माइनस चार कितना होगा? दो और चार छः होगा। बड़ा चार है, चार क्या रख ले? माइनस, तो माइनस छः। अब हम लोग थोड़ा गुणा में देख लेते हैं। हम बताएं अभी गुना में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होता है, और चार दूना कितना होगा? आठ। साफा प्लस हो जाएगा, ठीक ना? इसमें नहीं देखें कि चार बड़ा है कि दो, साफा प्लस हो जाता है। माइनस चार गुने माइनस पाँच, पाँचों के कितना हो जाएगा? बीस हो जाएगा। और माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस होता है। माइनस यहाँ प्लस है, आठ दूना कितना होगा? सोलह होगा। और माइनस सोलह होगी प्लस सोलह होगा, इनमें आठ माइनस में, इसलिए माइनस सोलह होगा। अब यहाँ देखिए, छः चौके चौबीस हो जाएगा। अब चौबीस जो आया, छः और चार में बड़ा कौन? छः और चार में हम ऐसे नहीं देखेंगे,
प्लस माइनस जो गुना कराते हैं आपका क्या होता है, प्लस माइनस का गुना माइनस में होता है, इसलिए माइनस चौबीस कितना होगा, माइनस चौबीस। दो में जीरो, कोई भी संख्या को अगर जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो ही आता है। तो हमको हमको आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर हमसे जुड़ना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं आपको, AK DK ऑनलाइन स्टडी, AK DK ऑनलाइन स्टडी। आप इस पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लास 9-10 तक हमारा वीडियो डालाते रहता है, उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।